हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपकी अपनी चैनल में आपका स्वागत है। सो हम जा रहे हैं चोटीला चामुंडा माता के दर्शन के लिए। सो हम लोग स्लीपर कोच बस में गए थे। सो अभी मंदिर आने वाला था तो हम टाइम स्पेंड कर रहे थे और जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा रेडी होना बाकी था, तो ये मैंने बाल बना लिए, बिंदी लगा ली और इयररिंग्स डाली और अपना लुक रेडी किया मैंने और फटाफट से मैं रेडी हो गई और चलते हैं अब मंदिर के दर्शन के लिए। सो यहाँ तक हमें ऊपर तक जाना है। सो हम निकल गए हैं यहाँ से और हम चढ़ते चढ़ते गाइस बहुत ऊंचाई पर नहीं है, आधे रास्ते पहुँचे तो ये वहाँ से व्यू था जो बहुत सुंदर लग रहा था। थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही मेरी और मम्मी की विकेट तो बिल्कुल डाउन हो गई, बीच में आता है ये पॉइंट, तो हम यहाँ पे रुके थे, बैठे थे थोड़ी देर के लिए और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, हमने टाइम लिया क्योंकि थोड़ी थकान सी लग गई थी और सुबह से हम निकले तब बहुत देर हो चुकी थी। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं चामुंडा माता के दर्शन के लिए। सो यहाँ से गाइस आप पीछे देख सकते हैं माता रानी का मंदिर आ गया है। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं। चंड और मुंड का विनाश किया था माता रानी ने, तो यहाँ पे चंडी और चामुंडा देवी के रूप में माता रानी विराजमान है। सो बहुत शुभदायी दर्शन है इनके, छह माँ चामुंडा। और ये प्रदेश आता है गुजरात के सुरेंद्रनगर में, जहाँ पे चोटीला एक पहाड़ है उसके ऊपर ये माता रानी का मंदिर है। सो आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा व्यू है और हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सेल्फी ली। विश्व में सबसे बढ़कर माँ होती है, चाहे वो हमारी माँ हो या फिर माँ चामुंडा जगदम्बा। गाइस फाइनली हम दर्शन कर चुके थे, यहाँ से अब नीचे जाने की बारी आ गई थी तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर जाना है हमें और दूसरी साइड से लोग नीचे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना ऊँचा है ये पर्वत। और उसके बाद गए थे हम माता के मठ के दर्शन करने, यानी कि ये माता का मठ जो मेन मंदिर है उसकी सजावट आप देख सकते हैं। फाइनली मुझे लगी थी भूख तो वहाँ से ठेले पर से हमने थोड़ा नाश्ता किया था और फाइनली हम अपनी बस में आके बैठ गए और हम नेक्स्ट मिलेंगे द्वारका में, द्वारका साथ चलेंगे। तब सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। टिल देन बाय।